साकिब, ये बताएं कि ज़ाहिर है अभी मुख्तलिफ अदवार हुए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुलाकातों की, बार्गेनिंग अब चल किस बात पे रही है, फ़ाइनल बात है क्या? क्योंकि ये भी सुनने में आया कि पीपल्स पार्टी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में कोई वो जाना चाहती है, रसाई चाहती है, लेकिन नून लीग इस बात पर आमादा नहीं है। असल में पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो इकतदार में भी हो और इकतदार में ना भी हो, वो अपोजिशन में भी हो और अपोजिशन में ना भी हो। तो जो नून लीग है, वो ये चाह रही है कि आप क्लियर हो जाएं। अगर आपने हुकूमत में होना है तो फिर हुकूमत में होना है। जो चीज़ें चल रही हैं उसमें उसका तनाजुर समझने के लिए जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी ठट्ठा में जो तकरीर की है उसमें बड़ी अहम बातें उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि चारों सूबों में आग लगी हुई है और इस आग को जो है वो पीपी जो पीपल्स पार्टी है वो बुझाना चाहती है। धांधली के हवाले से उन्होंने भी बात की, उन्होंने कहा जियालों की जीती हुई सीटें जो है वो एमकेएम को दे दी गई, मुस्लिम लीग नून को दे दी गई, कुछ वो कहते हैं जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों को दे दी गई, और आज़ाद जब कहते हैं तो वो पीटीआई है। दूसरी तरफ मौलाना और जो उसके हवाले से पीर पगारा हैं उनके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि आपके पास को फॉर्म 45 हैं तो ले आए। तो वो कहते हैं कि जो जीते हैं वो भी एहतजाज पे हैं, जो नहीं जीते वो भी एहतजाज पे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है, आखिरी बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि वो आग बुझाने की कोशिश करेगी। 1977 का हवाला देना बिलावल भुट्टो का, मेरा ये ख्याल है कि ये इसको जो है वो आसान नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी जो धांधली के इल्जाम थे, एहतजाज थे, पॉलिटिकल पार्टी से इकट्ठी हुई थी, कुछ सिनेरियो जो है वो ऐसा बना। फिर उन्होंने कहा कि जमहूरियत खतरे में है। तो ये सारा अगर तनाजुर समझा जाए तो मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को विक्ट्री स्पीच होती है, फिर इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक होती है वजारत उज़्मा के लिए, शहबाज शरीफ का जो नामजदगी होती है, पीपल्स पार्टी हमायत करती है, फिर कमेटी भी बनती है, चीज़ें बहुत आगे तक जाती हैं, फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ें आना शुरू होती हैं, नहीं हम जो है वो वफाक में इस सूरत हाल में नहीं बैठेंगे। तो ये एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है जहां पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ी रिलक्टेंट नजर आती है कि वो जो है वो वजारते नहीं लेगी। आज ये खबरें आई जहां बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो ये कहते हैं कि हम आग बुझाना चाहते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी जो है वो लग रही है कि हो सकता है कि जो पीपल्स पार्टी है वो राजी हो जाए। ये खबरें आई हैं कि वो वजारते लेने पर राजी है, लेकिन यह है कि अभी हतमी नहीं है क्योंकि उनकी कमेटी का इजलास, 3 इजलास हो चुके हैं, अभी भी जो है वो जारी है। हतमी भी अभी फैसला नहीं हुआ कि कौन सी पार्टी कहां स्टैंड करेगी और कौन सा जो ओहदा जो है वो किसको दिया जाएगा और कौन सा ओहदा, ये चीजें सारी जो है मुकम्मल होने के, स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद जो है वो डिसाइड होगा। ये हतमी तौर पर अभी जाकर डिसाइड नहीं हो सका और उसकी वजह वही है कि ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं मौजूद है। दूसरी तरफ अगर पीटीआई की बात की जाए, उनके जो आजाद उम्मीदवार हैं, मेरा यह ख्याल है कि जहां तक मैं अडयाला जेल में जाकर यह समझा हूं, जो बानी पीटीआई है उनका यह मौकफ रहा है इलेक्शन से पहले कि हमारी अंडर 16 जो है वो मैदान में है। तो अगर आप ये समझें कि अंडर 16 उनकी जीत के आई है तो वो हुकूमत कैसे बना सकेंगे, कि मतलब अगर जो जितना भी वज़ीर आज़म हो, वज़ीर ख़ारजा हो, दाखला हो, या जितने भी अहम जो है वो बाकी वजारतें हैं, पूरी हुकूमत का एक स्ट्रक्चर है, हर चीज़ चलानी है, और सूरत हाल ये है कि उनका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदर सब जो है वो जेल में है और उनके साथ एक कनेक्टिविटी का इशू है, रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे बात नहीं हो सकती, उनसे मुशावरत भी उनकी नहीं हो सकती। तो क्या ये अंडर 16 जो है वो चला सकेंगे? तो मेरा ये ख्याल है कि जहां तक मैंने रीड किया है अडयाला जेल में बैठे हुए उनके लीडर को, वो मरकज में हुकूमत बनाना नहीं चाहते जब तक के वो जो उनका क्लेम है कि उनको जो वो उनका क्लेम है कि उनकी 2/3 मेजॉरिटी है और हम जो है वो जो हमारी सीटें कराची से, लाहौर, इस्लामाबाद से, या जेलम से, चकवाल से जो ली गई हैं ये वापस हो जाएं। लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लग सकता है ना, अगर ये ट्रिब्यूनल में चला जाता है। नहीं रहा अभी तक, ये एफर्ट्स हैं जी, उनकी एफर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन ये अभी लग नहीं रहा कि ये नशिस्तें जो है वो उनको वापस होंगी। लेकिन इसलिए मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई मरकज में हुकूमत बनाने के हवाले से अभी तक जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार नजर नहीं आती कि वो हुकूमत जो है वो बनाएंगे जब तक कि उनको नशिस्तें वापस ना मिलें, और नशिस्तें वापस मिलती जो है वो सारी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल जी, और ये बात है कि हुकूमत के खदोखाल नाजरीन अभी तक वाजे हो नहीं पा रहे हैं। अब देखना यह कि आने वाले वक्त में क्या सियासी मुफाहमत अपना रास्ता बनाए पाएगी। पीटीआई क्या सोच रही है इस वक्त? एक तो इत्तेहाद के हवाले से भी खबरें आई कि MWM के साथ अब वो नहीं कर रहे क्योंकि उनकी वो जो फहरिस्तें थी मखसूस नशिस्तों की वो नहीं जमा कराई गई थी, तो अब सुन्नी इत्तेहाद के साथ उनका होने जा रहा है इलाक।
जी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद होने जा रहा है। इससे कबल MWM के साथ PTI जो है वो ये सोच रही थी कि वो उनके साथ जाएंगे, उनकी छतरी के नीचे पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, या जो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी जो नशिस्तें हैं वो जमात इस्लामी के साथ भी सोच रही हैं। 8 फरवरी से लेकर अब तक PTI इस चीज़ का जो है वो अभी फैसला नहीं कर सकी कि वो उन्होंने किस जमात के साथ जाना है। अच्छा। कल और आज की डेवलपमेंट में ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है साहबजादा फजल करीम साहब हैं मरहूम, उनकी ये जमात है और उनके जो साहबजादे हैं साहबजादा हामिद रजा फैसलाबाद से, वो अभी MNA मुंतखब हुए हैं और वो MNA PTI के टिकट पर, मतलब टिकट इस लिहाज से था कि PTI के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ा। उनकी जमात से किसी ने भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन उनकी एक रजिस्टर्ड जमात जो है वो मौजूद है इलेक्शन कमीशन में, उससे जो है वो फायदा उठा सकती है PTI। अभी तक नेगोशिएशन चल रही है, फाइनल अभी ऐलान होना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में PTI जा रही है या जो है वो नहीं जा रही, लेकिन उन्होंने आज और कल ये डिसाइड हो जाना है हतमी तौर पर कि वो जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली ये कहा जा रहा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात हुई कि वो जा रहे हैं, ऑफिशियली अनाउंसमेंट बाकायदा तौर पर जिसको आप कहते हैं वो अभी जो है वो होना बाकी है। एक बात की गई कि यहाँ पे उसमें ऐड कर दीजिएगा या जो अभी आप बात करने जा रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो अपोजिशन में बैठने की बातें चल रही थी वो अभी कहीं तक पहुंची है, अभी उसमें कोई डेडलॉक है बरकरार? नहीं, दो चीज़ें हैं अलग अलग। एक उनका, उन्होंने जो छतरी लेनी है किसी भी पार्टी की ताकि उनको जो रिजर्व सीट्स है वो मिल सके, तो ये जो MWM जमात इस्लामी या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात हो रही है ये उस तनाजुर में है। जो मौलाना फजल रहमान के साथ उनका बैठने का उन्होंने प्लान किया था वो टोटल डिफरेंट है कि धांधली के खिलाफ एहतजाज और प्लस अपोजिशन में वो जहां जहां बैठेंगे तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो इकट्ठे बैठेंगे, ये मुख्तलिफ है, दोनों चीजें जो है मुख्तलिफ हैं। एक चीज मैं ऐड कर दूं यहां पे कि जो अभी हाल ही में द इकोनॉमिस्ट जो आलमी जरीदा है उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें पाकिस्तान में जो जमहूरियत के हवाले से जो एक इंडेक्स था उसमें डेमोक्रेसी इंडेक्स में कमी आई है। पहले जो हमारा नंबर था वो 105 था, अब 118 बताया गया है, 11 जो है वो दर्जे जो है वो हमारी तनजली हुई है जमहूरियत के हवाले से। इसमें शहरी आजादियां हैं, जो इंतखाबी निज़ाम है और सियासी कल्चर, तो ये तीनों चीजें हैं। तो अगर इस रिपोर्ट को हम मद्देनजर रखें और तकरीबन हम अप्रैल या जनवरी 2022 से शुरू करें, जनवरी 2022 से पूरा 2022 फिर 2023 और आज 2024, तो ये तकरीबन 26 माह बनते हैं। तो इस 26 माह में जो एक सियासी कल्चर में तनाव है, एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, जो मैंने अडियाला जेल की बात की थी नजम साहब के साथ, साकिब साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वजाहत कर दी कि वो रिपोर्टिंग के लिए मैं गया था। और उस हवाले से मैं एक और चीज में ऐड कर दूं कि जो PTI की बाहर बैठी क्यादत है वो थोड़ा सा सॉफ्ट जो है वो नजर आ रही है हमें, लेकिन जो PTI की अंदर जो क्यादत बैठी हुई है मरकजी क्यादत, उनका रवैया सख्त देखा है हमने। अच्छा। जो इमरान खान साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी, वो बड़े सख्त थे कि हमने पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ और MKM के साथ बात करनी ही नहीं है। मतलब हालांकि ऐसा होता नहीं है कि जो पोलिटिकल पार्टीज है उन्होंने ये दरवाजा बातचीत का खुला रखा होता है, लेकिन बड़ा उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा कि हम हर फोरम पे जाएंगे, ये हमारा मैंडेट छीना गया है। तो इससे बजायर ऐसे लगता है कि जो PTI की जेल के अंदर बैठी हुई क्यादत है वो आइंदा आने वाले दिनों में एहतजाज की शिद्दत में इजाफा भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि जो इस वक्त केसेस हैं वो सारे इलेक्शन कमीशन में पड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स भी बना दिए हैं, और ट्रिब्यूनल्स में जब ये केस जाते हैं तो वो एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं, अपने एक रूटीन के साथ चलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत अर्जेंसी में हल हो जाएंगे। तो जब तक के इन केसेस का जो इंतखाबी धांधली के हवाले से हैं इनके फैसले नहीं हो जाते, और एक दो ये है नहीं, एक बड़ी तादाद में पंजाब में है, कराची के केसेस हैं, इन केसेस का फैसला नहीं हो जाता तब तक ये तनाव का माहौल, अदम इस्तेकाम का माहौल जो है वो रहेगा, और उससे आने वाली हुकूमत भी जो है वो मुतासर होगी।